किरण जी, हम सीधे अपने दर्शकों को इस समय आगरा लेकर चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रैली को संबोधित कर रहे हैं, ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता। और आज मुझे खुशी है, जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया। संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के, उच्च वर्ण के लोगों को भी, गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए। मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए, 5 साल में एक बार ही चुनाव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे। पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे? यही चलता रहता है। लेकिन जिन नेताओं को देश की चिंता नहीं है, उनको तो जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। आप मुझे बताइए, ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या? ये चौकीदार पर आपका आशीर्वाद है क्या? ये चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश का लूटा हुआ धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर चौकीदार, मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ दोस्तों। भाइयों बहनों, सवर्ण समाज के गरीबों के लिए जो आरक्षण का काम हुआ है, संसद ने बहुत बड़ा काम किया है। देश के हर नागरिक का
संसद के सभी साथियों का समता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए जो जो भी आगे आए हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस कदम से देश के लाखों युवा साथियों को अवसर मिलेगा जो अभावों के कारण, गरीबी के कारण पीछे रह जाते थे। गरीबी किसी के विकास में, किसी के भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अड़चन ना बने, इसके लिए ऐतिहासिक पहल की गई है। भाइयों और बहनों, सिर्फ नियुक्तों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, बल्कि देश में उच्च शिक्षा, टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे हमने ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, तो साथ साथ ये भी निर्णय किया है कि जो उच्च शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी का हक छीना जाए। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में जो एक खाई बनी है, उसके आधार पर दशकों से इसकी मांग चल रही थी, इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई है। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अब झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने के काम में जुट गए हैं। समाज में बंटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी हर चाल, हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त करना है। साथियों, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, नागरिकता से जुड़े कानून में संशोधन का। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे, बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।